हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ओरल रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्लांट सेंटर, SCO 20 फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 34C, चंडीगढ़। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर सोम बैनर्जी से बातचीत की। डॉक्टर सोम बैनर्जी को लगभग 30 वर्ष का अनुभव है और अब उनके बेटे डॉक्टर अक्षित बैनर्जी भी उनके साथ इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सोम बैनर्जी ने हमें डेंटल प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में डिटेल से बताया। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सोम बनर्जी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं चंडीगढ़ में, और अबाउट 30 साल का जो अरसा है इन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी है। अब इनके साथ इनके बेटे जो कि अक्षत जी हैं, वो भी आ चुके हैं और ये नया और पुराना कॉम्बिनेशन है। बहुत मुस्तैदी के साथ ये यहाँ सेवाएं अपनी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है मेरे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं हमसे बात करने। बड़े सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मोर देन 30 इयर्स। जिस तरीके से आपने अपना जो प्रध्यापन है, आपने अपना ओपनिंग जो पारी है वो शुरू की PGI से, और PGI के ऐसा इंस्टीट्यूशन जब उस समय पर डॉक्टर भी बहुत कम होते थे और एक्सपोजर बहुत ज्यादा था डॉक्टर्स के लिए, हजारों की गिनती में पेशेंट्स आपने अपने हाथों से निगाहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पेशेंट थे, चाहे वो सर्जरी के थे, चाहे वो उनको रूट कनाल का तो तब नहीं होता था जैसे जाड़े पड़ने वाले होते थे या और प्रॉब्लम्स होती थी। जो डेंटिस्ट्री तभी था वो डेंटिस्ट्री अभी भी है, खाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ जिसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है उसकी हेल्प ज्यादा आ गई। PGI में जैसे जब मैं था तभी भी वही एक्सरे होता था, रूट कनाल भी होता था तभी भी, सर्जरीज भी होते थे। PGI का ट्रेनिंग कुछ और ही है, उसमें क्या है कि ऑल इंपैकिंग है, सारे फील्ड के साथ होता है। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ प्लास्टिक सर्जरी के साथ ही काम करता था, क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट होते थे उनके साथ भी काम करता था, तो वो एक फुल फ्लेज्ड डेंटिस्ट्री प्लस अदर फील्ड उसकी ट्रेनिंग में बहुत खास बात होती थी। वहाँ से निकल के प्राइवेट प्रैक्टिसिंग करना वॉज ए डिफरेंट फील्ड। प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट्स के साथ प्यार ये मान के चलना होता है कि पेशेंट ही भगवान है, जो पेशेंट का मुंह है वो मेरा अपना मुंह है, वो चीज जब हम सोचते हैं तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है। दरअसल अगर हम बात करें कोरोना के एपिडेमिक में, जिसमें आप अभी भी पूरी तरह से ढके हुए थे, आपके ऊपर कैप्स लगी हुई थी, आप सेवाएं दे रहे थे पेशेंट्स को, क्योंकि डेंटल का एक सबसे जो ज्यादा खतरा है कोरोना के एपिडेमिक में वो डेंटिस्ट को है, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक में आ रहा है पेशेंट के। और आपने तो क्योंकि PGI में आपके नॉर्मल ही वही थे, आपने तो पहले ही इन चीजों के लिए, सैनिटाइज के लिए, मास्क के लिए, आपने पहले ही डेंटल का बहुत ज्यादा यहाँ पर हर चीज को मेंटेन किया हुआ था, इसलिए आपको कोरोना के एपिडेमिक में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। जी ये सच बात है कि पूरे कोरोना टाइम में मैं क्लिनिक बंद नहीं किया था, PPE पहन के भी मैं पेशेंट्स करता था पहले जब बहुत खतरनाक हो रहा था। उसके बाद जब ग्रेजुअली ये आ गया कि टेस्टिंग हो गया, तब हम पेशेंट्स को सिलेक्टिव वे से करते थे। एक्यूटली इमरजेंसी पेशेंट्स जो होते हैं उनको जरूर करना होता है, चाहे हम कैसे भी अपने आप को संभाल लें। प्लस आज के दिन में जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो उनको पहले पूछ लेते हैं कोविड टेस्ट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, कोमॉर्बिडिटीज के बारे में, इनको पहचानने के बाद फिर हम सिलेक्टिव वैसे पेशेंट्स करते हैं, तो एक्यूटली इमरजेंसी पेशेंट होते हैं। इसमें फायदा इस बात का होता है कि हम सेफ रहते हैं। नेचुरली हम वैक्सीनेटेड बहुत पहले हो गए हैं, जनवरी में ही वैक्सीनेशन हो गया था जैनफेब में, तो उसके बाद हम खुद फील करते हैं सेफ हैं, बट आगे देखते हैं कैसे कैसे चलता है। सर आज का जो ट्रेंड है डेंटिस्ट्री का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो एक कॉस्मेटिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और आपके बेटे जिन्होंने नई नई टेक्निक्स लाए हैं और आप खुद भी, क्योंकि आप भी खड़ा पानी नहीं हो, आप भी हमेशा कोई ना कोई नई चीज क्रिएटिव करते रहते हो, क्या कहना चाहेंगे कि आज डेंटिस्ट्री बिल्कुल बदल चुकी है, इसमें स्माइल डिजाइनिंग आ गया है, इसमें वेनियर जैसे आ गए हैं, इसमें पहले कहते थे कि दांत की हड्डी है जो उसको पीला पाना है वो नहीं कभी नहीं जा सकता, लेकिन आजकल आपने हर चीज पे नजात पा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना मतलब बहुत गर्व के साथ कहूँगा, प्राइड के साथ,
कि डेंटिस्ट्री में जितना भी टेक्नोलॉजी आया हो, जितना भी एडवांटेज आया हो, ठीक है, आखिरकार डेंटिस्ट्री एक आर्ट है, इट इज बेसिकली हाथ का काम है। जब तक आपका हाथ परफेक्शन तक नहीं पहुंचेगा, चाहे आप जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले लो, डेंटिस्ट्री में कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मेन जो चीज है डेंटिस्ट्री में, दैट इज द फील, द टैक्टाइल सेंसेशन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीथ, द माउथ। उसमें आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये फायदा होता है कि आप डायग्नोस्टिक जो इश्यूज हैं उसको क्लियर कट आ जाता है, जैसे हमें पता चल जाता है कि हाँ कहाँ तक इन्फेक्शन है वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली हाथ और मुंह के साथ, वो जब तक नहीं रहेगा, वो जब तक परफेक्शन नहीं कर पाएंगे, डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला। सर हम ये सोचते हैं कि वो हाथ और मुंह की परफेक्शन आपकी और मशीनरी आपके बेटे ने जो नई नई लॉन्च की है, ये दोनों मिलकर तो एक सोने पे सुहागे वाली बात है। एब्सोल्युटली राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लस द परफेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस काउंट्स डेफिनेटली। तो नेचुरली वो जो एक्सपीरियंस है प्लस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इज वेरी 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 राइट कॉल, मजा आ जाता है। आजकल के जमाने में डेंटिस्ट्री करने में ज्यादा मजा है। जैसे कि आपका मैसेज रहेगा आज के एपिडेमिक में पेशेंट्स को भी जो डेंटल के मतलब साथ जूझ रहे हैं, या जिनकी मैरिजेज है, ब्राइड्स को बड़ा चाह रहता है कि हम लोग डेंटिस्ट के पास जाएं, हम लोग हमारा दांत का जो है टेढ़े मेढ़े दांत है, या हमें कोई जवाड़े की कोई प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरीके से हम लोग सुंदर जी। देखिए आप आज के दिन में पैंडेमिक के चक्कर में जो हो रहा है, तो सबको यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, पैंडेमिक विल कम एंड पैंडेमिक गो। जब जब जो जो काम होना है करेंगे, बट एस्थेटिक डेंटिस्ट्री सुंदर बनना वो सब थोड़ा सा होल्ड पे रखें। जरूर जरूर टाइम आएगा, अच्छा टाइम आ जाएगा, इन ए मैटर ऑफ से 6 months और सो फुल फ्लेजेड एस्थेटिक डेंटिस्ट्री विल स्टार्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल खाली इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो करें। मेरा तो ये मानना है कि डेंटिस्ट्री में जो ओरल प्रॉब्लम्स है, हाइजीन का जो प्रॉब्लम है, उसको मेंटेन करेंगे, कोरोना को वैसे ही हरा देंगे, क्योंकि सारा कुछ तो नाक और मुंह के अंदर से जा रहे हैं। तो हम अगर ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।